जिस प्रकार से सूर्य से किरणों को अलग नहीं कर सकते, हवा से सुगंध को अलग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू थिंग्स बाय एनी वेज एंड मीन्स, उसी प्रकार से भगवान की कथाओं को, भगवान के इतिहास को उनके भक्तों से अलग नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल, राइट। जब भी आप भगवान की चर्चा करोगे, भगवान के दिव्य लीलाओं की, भगवान के दिव्य कार्यों की, तो उसमें भक्तों का वर्णन आएगा ही आएगा, यस और नो, अपने आप आएगा। यदि आप भगवान रामचंद्र जी की कथाओं को करते हैं तो हनुमान जी का वर्णन अपने आप आ जाएगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप प्रयास करोगे तब भी संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से साथ ही साथ इसका दूसरा एक और हम देखते हैं उदाहरण, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, राइट, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं, परंतु भगवान की जो व्यक्तिगत लीलाएं हैं वे दसम स्कंद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पहले 9 स्कंद में भगवान की दिव्य लीलाओं का इतना कोई वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो क्या ये श्रीमद् भागवतम का भाग नहीं है? आर दे नॉट ए पार्ट ऑफ भागवतम? नो, दे आर फुल्ली पार्ट ऑफ भागवतम। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा पहले स्कंद के पहले पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए, राइट, ही वॉज वेरी स्पेसिफिक, क्यों? क्योंकि इसमें भक्तों की कथा है और जो भक्तों की कथा है वो भगवान की कथा से अलग नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता है, इनसेपरेबल, दे आर इनसेपरेबल, वी कैन नॉट सेपरेट द टू, राइट। तो इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब भक्तों की कथा से सारे जो निर्देश हैं, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली कम्स आउट, बिकॉज डिवोटीज देयर लाइव्स आर कंप्लीटली एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान के निर्देशों के अनुसार है उनका जीवन, दे आर द प्रैक्टिकल, दो चीजें होती है ना, भगवद गीता एक थ्योरी है, भगवान ने कृष्ण ने भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कही, और उस भगवद गीता का प्रैक्टिकल श्रीमद् भागवतम, आपको सारे उदाहरण मिल रहे हैं एक के बाद एक नाम के साथ, जो कि उस गीता के अनुसार जी रहे हैं, देयर लाइफ इज एज पर दैट, राइट। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, दोनों एक है और दोनों समान रूप से फल प्रदान करने वाली है, ठीक है, दोनों समान फल प्रदान करने वाली है, इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, कई बार लोग सोचते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो और मैं जो है ये भगवद गीता के अंदर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ये न्यू फाइट के लिए, यस इट हैपेंस, कई बार हम देखते हैं ऐसा लोगों का मूड रहता है, तो ये पूरी तरह से निराधार है। भगवान ने भगवद गीता स्वयं अपने मुखारविंद से दिया, उपदेश दिया है अर्जुन को, तो ये इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। जब तक भगवद गीता आप नहीं समझेंगे, श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं सकते, फिर वही गलतियां करते रहेंगे, राधा और कृष्ण को एक साधारण समझेंगे, एक लड़का और लड़की का संबंध है,
ठीक है। तो ये तभी पूर्ण होगा जब हम दोनों को समान महत्व देंगे, इनसेपरेबल, बोथ आर इनसेपरेबल। जिस प्रकार से यदि आप केवट का चरित्र बात करो, द लाइफ ऑफ केवट और सबरी, तो अपने आप भगवान का वर्णन तो आ ही जाएगा है? आप हटा के कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि भक्त के जीवन में भगवान रहते ही रहते हैं। His life is centered around the Lord, right? Centered, भगवान उसके केंद्र में है। सूत्रे मणिगणा इवा, सूत्र जैसे धागा होता है, सारे मोतियों की जो माला है, माले के बीच में क्या है, एक धागा है जो कॉमन है, और ये धागा सारे मोतियों को एक साथ रखे हुए है, करेक्ट? तो उसी प्रकार से जो भगवान है सबको बांधे हुए हैं सूत्र के रूप में, और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवतम भगवान के कार्यों का इतिहास है, इट इज हिस्ट्री, इट इज नॉट माइथोलॉजी। ठीक है, कई लोग कहते हैं दिस इज ए माइथोलॉजिकल बुक, नो, ये किसी का मनोकल्पना या माइथोलॉजी नहीं है, ये भगवान के कार्यों का इतिहास है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स विच टुक प्लेस इन ट्रुथ, ये वास्तविक घटनाएं हैं। आज हम सारा प्रमाण देख रहे हैं, द्वारका जी का भी मिल रहा है प्रमाण समुद्र के अंदर है, राम सेतु का प्रमाण मिल रहा है समुद्र के अंदर, बताइए, विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। तो चूंकि आपका विज्ञान विकसित नहीं है, आप इन प्रूफ को देख नहीं पा रहे हो पहले, बिकॉज यू आर नॉट डेवलप्ड, यही प्रमाण हुआ ना। जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ रहा है, तब तक आप देखते हो कि सारी बातें यथावत रूप में सत्य सामने आ रही है, राइट? सो दिस इज एन हिस्ट्री, ये एक इतिहास है, वेद पुराण एक इतिहास है, और इसको मिथक समझना या इसको माइथोलॉजी समझना, इसको एक मनोकल्पना समझना, ये एक मूर्खता है। भक्त और भगवान अभिन्न है, भगवान के कार्य भक्तों के बिना पूरे नहीं होते, भगवान की लीलाएं भक्तों के बिना पूर्ण नहीं होती, और भक्तों का जीवन भगवान के बिना पूर्ण नहीं होता, राइट? दे आर ऑलवेज लिंक्ड विथ ईच अदर, देन इट बिकम्स ग्लोरियस एंड स्वीट। तो इस संसार में तीन वस्तुएं हैं जो सार कही जाती हैं, थ्री थिंग्स आर कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड होल क्रिएशन। पहला भगवान, दूसरा भक्त, पहला भगवान दूसरा भक्त, तीसरा इन दोनों के बीच का जो संबंध है यानी भक्ति, तीसरा भक्ति, भगवान भक्त और भक्ति, यह है सार तत्व, भगवान भक्त और भक्ति। तो जो श्रीमद् भागवतम है यह भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन करता है, इसलिए इतना महान ग्रंथ है।
जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो देखेंगे इतने सारे भगवान के साथ उनके भक्तों के इतने प्रगाढ़ संबंध, सो इंटीमेट, सो लविंग, इसलिए चैतन्य चरितामृत इतना महान ग्रंथ कहा गया, क्योंकि इतने प्रगाढ़ संबंध भक्तों के साथ भगवान के, इतनी सारी लीलाएं घटनाएं। तो जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती है, इंटीमेसी इज मोर एंड मोर, द स्वीटनेस ऑल्सो इंक्रीजेज मोर एंड मोर, बिकॉज ये दोनों संबंध में किसी भी प्रकार के भौतिक इच्छा का, भौतिक कामना का लेस नहीं है, नो टिंच, नो टच। ये भौतिक संसार में जैसे आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, जब कोई देवता की पूजा करते हैं तो साथ में कुछ कामना होती है, भौतिक अभिलाषा होती है, इच्छा होती है ये पूरी हो जाए, तो कुछ एक्सचेंज है, मेटेरियल एक्सचेंज। परंतु ये जो शुद्ध संबंध है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं है, नो एक्सचेंज एब्सोल्युटली, सिर्फ भगवान आप प्रसन्न रहो, ऐसा कौन कल्पना कर सकता है, सिर्फ आप प्रसन्न रहें, मेरी प्रसन्नता का कोई प्रश्न विषय नहीं है, मेरी प्रसन्नता सिर्फ आपको प्रसन्न करने में, ऐसा उदाहरण कभी हम देख सकते हैं, कोई कल्पना कर सकता है। भौतिक संसार में रिलेशनशिप टूट जाती है, आज के समय में मैं देख रहा था कि भाई सबसे ज्यादा लोगों को किस विषय में इंटरेस्ट है। आई मेड ए सर्वे दैट यूट्यूब के ऊपर में लोग क्या सबसे ज्यादा सुनना चाहते, देन आई फाउंड दैट पीपल आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, इन हियरिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, और फिर लॉस्ट रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज आर रियली हॉट, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप इस जो भौतिक संसार में, उसका मूल केंद्र क्या है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, आई वॉन्टेड लाइक दिस, ही डिड नॉट डू लाइक दैट, राइट, सम और अदर, दीज आर द इश्यूज, मैंने इतना किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ओके। तो ये भौतिक संसार का देखो आप, और आध्यात्मिक जगत में कितना अद्भुत है, आश्लिष्य वा पादरष्ट पिनिष्ट माम दर्शनम अदर्शनम करोतो वा यदा कदा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापर। तो भगवान आप कुछ भी मत दो, यू डू नॉट रिवार्ड, यू डू नॉट इवन लुक एट मी, डू नॉट, आप किसी का गेस्ट, कभी किसी ने आपको इनवाइट किया है और यदि वो अलग से आपको बात न करे, दो मिनट आपसे इंपॉर्टेंस ना दे, तो आपको कितना गुस्सा आ जाता है, मैं तो अगली बार इसके यहां जाऊंगी ही नहीं, बाढ़ में जाए, राइट, यस। तो वहां पर तो देखने की बात नहीं है, वहां तो दुत्कारने की बात है, कौन सी बात है, ए, क्यों यहां पर